सामीन ये आप देख रहे हैं ये ताकत की दवा है, इसका नाम है फर्स्ट नाइट। इससे पहले हमने एक और दवाई का शाही मिलन का ऐलान किया था, आज हम इसका ऐलान कर रहे हैं। और ये इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, ये दवाई भी रजिस्टर्ड है, और हमने बतौर नमूने के पहले 3-4 डब्बे कुछ लोगों के पास भेजे थे, उनने इसके नतीजा अच्छा बतलाया है। इसकी कीमत 3,000 रुपये है और इसका नतीजा बहुत ही अच्छा आया है। आप इसके लिए हमारे नंबर 9-27-70-90-14 पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 28 शाबान उल मुअज़्ज़म और 10 मार्च है। उनवान है इस वक्त की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर से खबर आ रही है जहां बड़ा हादसा हो गया है और जिसमें 6 लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। यह हादसा जौनपुर के थाना गोरा बादशाहपुर इलाके में प्रसाद तिराहे पर हुआ है और यहां मरने वालों में जो लोग शामिल हैं वो गज्जाधर शर्मा, जवाहर शर्मा, प्रताप शर्मा, गौतम शर्मा वगैरह हैं, ये एक ही ख़ानदान के लोग हैं। उधर दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली जल बोर्ड के एक खाली प्लांट में बोरोवेल ट्यूबवेल है, उसके गड्ढे में कोई बच्चा गिर पड़ा है और ये केशवपुर मंडी इलाके में है। 40 फुट गहरे में बच्चा गिरा है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। उधर दिल्ली जल बोर्ड के तर्जुमान का कहना यह है कि बच्चा नहीं बल्कि चोरी करने आया था, वो गिर का पैर फिसल के गिर गया है। बहरहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और JCB बुला ली गई है और वहाँ खुदाई काम चल रहा है। उधर लालू यादव के करीबी रेत माफिया सुभाष यादव को आज ED ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 करोड़ रुपए नकद मिले हैं जिनको जब्त कर लिया गया है। आलमी खबर में आ रहा है कि हमास ने जंगबंदी के लिए अपनी शरायत फिर पेश की हैं और हमास का कहना यह है कि 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते की जंगबंदी के कोई माना नहीं है। जंगबंदी मुस्तकिल मुकम्मल होनी चाहिए, जंगबंदी की कोई वजह, जंगबंदी ना करने कोई वजह नहीं है, अमन शांति चाहिए। बता दें इससे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 6 हफ्ते की तजवीज़ पेश की थी कि 6 हफ्ते के लिए जंग बंद की जा सकती है, मतलब ये था कि माह मुबारक में जंग बंद हो जाए और लोग ईद मना लें। लेकिन हमास ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आर्जी जंग बंदी नहीं चाहिए, मुस्तकिल जंग बंदी चाहिए। उधर माहिर फलकियात ने पड़ोसी मुल्क में चांद की तारीख को लेकर तनाव खड़ा कर दिया है और कहा है कि कल यानी 24 घंटे बाद चांद दिखना यकीनी है। हालांकि माहिर फलकियात जितनी पेशगोई किया करते हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग नेट पर आता है कि चांद उस तारीख को दिखेगा, उस तारीख को नहीं दिखेगा, माहिर फलकियात की आखिरी हतमी तौर पर इस्लाम में सिरे से कोई हैसियत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि इम्कान होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। गैब का इलम अल्लाह ताला को है, उसके अलावा किसी को नहीं है। राय यह कहना कि दौर जदीद आ गया है और सर्च ये साइंस ने बिल्कुल उजागर कर दिए हैं, ये गलत है। चांद का इल्म, सितारे का इल्म, आसमान का इल्म आज से 1,000 साल पहले पूरी दुनिया को था, बहुत अच्छा था। ख़ास तौर पर सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कि मैं लिखा है कि चांद का मुकम्मल, सितारों का मुकम्मल इल्म था। उससे बाद में कदीम दौर में खैरुल कुरून बाद के दौर में चांद के मुकम्मल हिसाबदान, हिसाब वाले पाए गए हैं। लेकिन चांद के बारे में जैसा आजकल दावे किए जाते हैं, ऐसा कोई दावा कभी नहीं किया गया। चांद के बारे में सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही है कि रुयत चांद देखा जाए, देख लो या शरी शहादत मिल जाए तो रोज़ रख लो या ईद कर लो, और शरी शहादत ना मिले, चांद ना दिखे, तो महज माहिर फलकियात के कहने पर इस तरह कोई फ़ैसला नहीं होगा।